अगर आपके फोन पे के अंदर वैलिड मोबाइल नंबर का इस तरीके से एक इशू आता है, इसे आप कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने फोन पे से कैंसिल करके बाहर निकल आना होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा देखते रहिए वीडियो को, तभी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन पे को अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है फोन पे, तो सबसे पहले फ़ोन पे को आप अपडेट कर लीजिए, जिससे कोई लेटेस्ट फीचर आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल से आपको अपने फ़ोन पे क्लिक करना है, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये देखो इस तरीके से कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इस तरीके से कर दीजिए। चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, ये फिर से आ जाएगा, आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कहेगा, तो आप यहाँ अलाउ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कुछ समय बाद आपके पास एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक वो नंबर इसमें डला होना चाहिए, ठीक है, जिस भी नंबर से आपका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मेरी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है, ये मैसेज भी मेरे पास आ गया है फ़ोन पे की तरफ से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वैलिड नंबर की, ठीक है। बट आपको वो नंबर इसमें होना चाहिए फ़ोन में तब, ठीक है, जिस नंबर से आपने फ़ोन पे बनाया है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जय हिंद।